हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम में और हमारा टॉपिक है उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट। आज का हमारा चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना इम्पॉर्टेंट ये आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए, फिजिक्स के पेपर में लिखने के लिए या इस पर अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए है, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। क्योंकि सैटेलाइट के फील्ड में आज हमारा कंट्री पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है, कुछ मामलों में हम दुनिया में एक नंबर हैं। तो सैटेलाइट के फील्ड में जितना डेवलपमेंट इंडिया ने किया वो बहुत प्राउड करने के कंडीशन पर है। हम बहुत गर्व से कर सकते हैं कि हमारा देश सैटेलाइट के फील्ड में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पर है आज के डेट में कि दुनिया के बहुत से विकसित देश हमारे रॉकेट से अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं, कराते हैं। विकसित देश, अमेरिका, जापान जैसे देश भारत के सैटेलाइट से, रॉकेट से अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो आज का क्लास में आपको सिलेबस से हट के भी थोड़ा मैं आपसे एक जनरल नॉलेज या एक जानकारी के लिए कि भाई हमारा देश आज उस पोजिशन पर है, तो थोड़ा उन वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए कि जिन्होंने हमको आज इस पोजिशन तक पहुँचाया। तो आज का पूरा मेरा लेक्चर, थोड़ा मैं आपको सिलेबस पर बात करूंगा, लेकिन आज का मेरा पूरा लेक्चर उन सभी महान वैज्ञानिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के अपना हर पल लगा के आज भारत को इस पोजीशन पर पहुंचाया। उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा और स्पेशली मैं आज मेरा क्लास मेरे रोल मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को स्पेशली समर्पित है और मैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। जब भी मैं सैटेलाइट पढ़ाता हूं तो मेरे ध्यान में वही आते हैं, क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं MSc कर रहा था तब से मैं कलाम जी को पढ़ता था। तब इंडिया में या पूरी दुनिया में उतने वो पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि वैज्ञानिकों की पॉपुलरिटी तो आप जानते हैं, कभी आप टॉप 10 इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के नाम नहीं जान सकते, मेरे को मालूम है। वैसे पोजिशन से मैं उनको पढ़ रहा हूं और बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद सामान्य लोगों ने उनको जाना या पॉपुलर हुए या पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सैटेलाइट, सबसे पहले हम बात करें कि सैटेलाइट होता क्या है, व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट का सीधा मतलब है, उपग्रह का सीधा मतलब है जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। और हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक, जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो मेन मेड होता है, जिसको वैज्ञानिकों ने, जिसको हम लोगों ने बनाया, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। और सैटेलाइट का जो सबसे बड़ा पर्पज़ है वो है कम्युनिकेशन के सिस्टम को संचालित करना। मतलब हम सैटेलाइट की सहायता से क्या करते हैं, अपने संचार प्रणाली को चलाते हैं। जो हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, आप मेरा जो वीडियो देख पा रहे हैं, आप इंटरनेट के सहायता से आप मेरे लेक्चर सुन पा रहे हैं या लाइव क्लास मुझे अटेंड कर पा रहे हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के कारण संभव हो पाया। यदि सैटेलाइट नहीं होता तो ये कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होता। आज COVID-19 के प्रॉब्लम के टाइम में आप मेरा वीडियो इस तरह से बैठ के नहीं देख पा रहे होते। तो सैटेलाइट का तो कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हैं हमारे लाइफ में। अब हम सैटेलाइट के बिना कोई कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इमेजिन नहीं कर सकते। क्लास 12th में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, संचार इलेक्ट्रॉनिक। वहाँ पर आपको फिर इसके टेक्निकल पार्ट्स को, कि किस तरह से सैटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए तो मैं कुछ आपको स्पेशल पॉइंट्स पर डिस्कस करूँ क्लास में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊं कि सबसे पहले आज़ादी के बाद जब इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत खराब कंडीशन में था, तो सबसे पहले, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि हमारा सोसाइटी, हमारे कंट्री, हमारा स्वयं का व्यक्तिगत डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। बहुत छोटी सी बात है, सपोज़ कुछ एग्ज़ाम हो रहा है,
कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ वैकेंसीज आए और आपको पता नहीं चल पाया, जैसे पहले के टाइम में होता था कि पोस्टमैन से ही हमको किसी भी प्रकार का जानकारी मिलता, लेटर मिस हो गया, उसने देने में देरी कर दी, कुछ लापरवाही कर दिया, तो कई लोग के जॉब चले जाते थे, ज्वाइनिंग करने का डेट निकल जाता था। सोचो कितना प्रॉब्लम का टाइम था। लेकिन आज के डेट में कौन सी वैकेंसी आई है, कहाँ आई है, कैसे पढ़ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप रेगुलर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी चीज़ होता है। जिन देशों में कम्युनिकेशन का सिस्टम जितना पहले आया वो देश आज दुनिया में उतनी जल्दी विकसित देश की श्रेणी में जा पाए। हम थोड़ा लेट हुए, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। तो सबसे पहले भारत में कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए 1969 में इसरो का गठन किया गया। कुछ चीज़ों को मैं आपको जीके के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आज का मेरा क्लास उन सभी वैज्ञानिकों को समर्पित है जिसने अपना सब कुछ लगाया। उनको हमको एक बार याद करना चाहिए, जिस प्रकार से हिस्ट्री में लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब पढ़ते रहते हैं, हमको फिजिक्स के क्लास में भी सैटेलाइट या ऐसा कोई भी चैप्टर जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, हमको उनको ज़रूर याद करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। सबसे पहले 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने और बाद में डॉक्टर सतीश धवन, वैसे फाउंडर नाम इन्हीं का आता है, डॉक्टर सतीश धवन, ने इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आजकल नया नाम हो गया है, कुछ साल पहले इसके नाम को चेंज करके अब इसका नया नाम है डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया, इसरो को इस नाम से भी जाना जाता है, हालांकि पूरी दुनिया में हम उसको इसरो के नाम से ही जानते हैं, आज भी हम इसरो ही कहते हैं, लेकिन इसरो का एक नया नाम है डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो का गठन किया। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कार्यकाल में इसरो का गठन हुआ, उन्होंने उसको बहुत डेवलप किया, फ्री हैंड किया पूरे वैज्ञानिकों को, और ऑफिशियली इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम इसरो बनाए हैं, इसरो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, और हम अब स्पेस रिसर्च के फील्ड में काम करेंगे। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें बहुत सी बातें मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो आत्मकथा है, आत्मकथा कम, वो भारत के इसरो के और बहुत से वैज्ञानिक संस्थाओं के डेवलपमेंट की स्टोरी ज़्यादा है। वो दुनिया का एकमात्र पहला ऐसा आत्मकथा होगा जहाँ पर आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति ने अपने बारे में 10% जानकारी दिया और 90% अपने कंट्री और अपने देश के इम्प्रूवमेंट को सिस्टमेटिक बताया। वो एक साइंस की बुक की तरह है, वो आत्मकथा कम है, वह एक विज्ञान का पुस्तक, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको लाइफ में समय मिले तो अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, आप ज़रूर पढ़ना, आपका उस बुक का आपके पर्सनालिटी पर, आपके लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। उनको एक बार ज़रूर पढ़ना आप, अग्नि की उड़ान, ये आपने हो सकता है पढ़ा भी होगा, बहुत फेमस बुक है, कलाम जी की आत्मकथा। मैंने बहुत कुछ वहाँ से पढ़ा और वो सब स्टोरी जो आप मैं शेयर करूँगा, मेरा रिसोर्स वही है, मैंने कई बार उस बुक को पढ़ा है। आज भी मुझे कभी लगता है कि कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, हमको लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए, एक बार उस बुक के कुछ बुक पढ़ने के बाद आप जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है आप रिचार्ज हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बुक के लास्ट पेज में, दो पेज में जो बात कही है, कम समय हो तो सिर्फ उतने को एक बार आप पढ़ लेना, जब उन्होंने लिखा है कि मैं अपने उपलब्धि के रूप में गिनाऊं तो मेरी लाइफ में उपलब्धि के रूप में गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं कर पाया उसके लिए मैं उस भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस काम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। आप समझ सकते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी उसमें होगी, महानता के अपर लिमिट को उन्होंने पार कर लिया था। क्लियर, चलिए तो मैं आगे और बात करूँगा फिर उनके बारे में। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन के हेल्प से इसरो का गठन हुआ, और एक मज़ेदार बात
कि जैसे ही भारत ने डिक्लेयर किया कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करेगा, तो ये पूरे विश्व में जब ये ऑफिशियल डिक्लेयर हुआ तो पूरे विश्व में यह समाचार गया। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक समाचार छपा और उस समाचार में क्या लिखा था, कलाम जी उसकी बार बार जिक्र करते थे अपने बुक में, अपने स्पीच में, वहाँ लिखा था कि एक ऐसा देश जहाँ अभी लोगों को दो वक्त के लिए ठीक से खाने को नहीं मिलता, वह देश स्पेस पर रिसर्च करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि कितना निगेटिव कमेंट्स था और आज हम कहाँ हैं। यह सिर्फ वैज्ञानिकों के विल पावर और उनके बहुत मेहनत के कारण यह सब संभव हो पाया। इस कंडीशन से उठा हुआ देश आज दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री में काउंट होता है। इसरो इतना फास्ट वर्क करने के कंडीशन में है आज कि आज यदि किसी नए सैटेलाइट या नए रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्लानिंग होता है तो सिर्फ विद इन 3 या 4 मंथ हम उस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन उतना कुछ मैं आज नहीं बता पाऊंगा, एक क्लास मेरा उनको समर्पित है, इसके बाद मैं टॉपिक पर आऊँगा। तो ये इसरो का गठन हुआ, इस तरह के हालात हुए। और उसके पहले 1969 के बाद, यदि आपके घर में कोई सीनियर पर्सन हो जो बहुत उस तरह से 60-75 ईयर के एज के पर्सन होंगे, तो आपको वो बताएंगे कि भारत में एक समय टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन होता था, फिर बाद में कुछ समय के लिए रुक गया। वो कैसी स्टोरी है, मैं खुद जिस स्कूल से मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई किया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्क लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा छतरी लगा हुआ था, और वहाँ पर कुछ नहीं था, केवल छत में, मेरे स्कूल के छत में वो एल्यूमिनियम का जो डिस्क होता है वो लगा हुआ था। तो हम लोग चाइल्डहुड में जिज्ञासा बस उसको पूछते थे, तो मैंने अपने एक साइंस टीचर से पूछा था कि सर हमारे स्कूल में डिस्क लगा हुआ है क्या है, तब वहाँ पर टेलीविज़न का कम्युनिकेशन नहीं था। मैं बता रहा हूँ जब मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता था तब की बात है, टेलीविज़न हमारे टाइम में आया जब हम मेरे ख्याल से 11th-12th क्लास वगैरह में पहुँचे। तो हमारे टीचर ने हमको समझाया कि टेलीविज़न जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे हम चित्रों की सहायता से देखते थे, ये इसी डिस्क की सहायता से होता था। हमने पूछा कि सर अब कहाँ गया, तो उन्होंने बताया कि रूस की सहायता से वो ब्रॉडकास्टिंग होता था, अब उसको वापस ले गए, डिस्क पड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं इस तरह का कंडीशन आया। लेकिन 1975 में 19 अप्रैल 1975 में सबसे पहले भारत ने आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट रूस के सहयोग से लॉन्च किया। हमारा पैसा था, हमारी कुछ टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कम्प्लीटली वह क्रेडिट रूस को जाता है। हमारा इंडियन सैटेलाइट था, लेकिन रूस की सहायता से आर्यभट्ट फ्रेंच गायना नाम के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसको लॉन्च किया गया 1975। देखो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, और आज सिर्फ 25-30-40 साल में किस पोजीशन पर हैं। तो ये आर्यभट्ट सबसे पहले छोड़ा गया, और आर्यभट्ट के छोड़ने के बाद कंटिन्यूस पूरा रोहिणी का और बहुत प्रकार का सीरीज चला, वो बहुत लंबी कहानी है। तो ये पहला सैटेलाइट हमारा था 1969, आप हमेशा याद रखना, इन वैज्ञानिकों को याद रखना। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन की ही खोज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब उस स्टोरी पर मैं नहीं जाना चाहता तो कई घंटे का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके संपर्क में आए और डॉक्टर सतीश धवन ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और बहुत जल्दी उनको हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, फिर DRDO में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO वहाँ का डायरेक्टर बनाया, इसरो का डायरेक्टर बनाया, और उन्होंने इंडिया को बहुत हाइट तक पहुँचाया। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम शुरुआत हुआ। और रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए जो दो तरह के बेसिकली रॉकेट यूज़ किए जाते हैं, PSLV और GSLV, इसके बहुत से सिस्टम जैसे क्रायोजेनिक इंजन वगैरह पहले रूस से आयात किए जाते थे, लेकिन कलाम जी के ही टाइम में जब परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में, तो रूस ने विदेशी दबाव पर क्रायोजेनिक इंजन देना बंद कर दिया। तो कलाम जी ने अपने वैज्ञानिकों को, टीम को लेकर सिर्फ 6 महीने में क्रायोजेनिक इंजन बनाना प्रारंभ कर दिया, और आज हमारा देश क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी आत्मनिर्भर है। उस समय कलाम जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आता दिया था उन्होंने कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आने बहुत ज़रूरी हैं,
क्योंकि वही प्रॉब्लम्स फिर हमको आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित करते हैं। क्योंकि यदि परमाणु परीक्षण होने के बाद यदि हमको रूस मना नहीं करता कि क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे, तो आज भी हम वहीं से क्रायोजेनिक इंजन लाते रहते, जबकि आज के डेट में हम पूर्णतः 100% स्वदेशी, 100% हम क्या है, आत्मनिर्भर हैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको अपने सेटेलाइट के बारे में ही बता दूँ। तो ये है हमारा कुछ छोटा सा हिस्ट्री कि किस तरह से इसरो का गठन हुआ और कैसे। इसमें जो और वैज्ञानिक जो बहुत मेहनत करके इस पर काम किए, उसमें डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कलाम जी फिर चौथे नंबर के साइंटिस्ट, उनका तो बहुत लंबे समय तक योगदान रहा और उन्होंने उसको पीक तक पहुंचा के, मतलब ऐसे पोजीशन पर पहुंचा के वो यहां से गए हैं कि अब कहीं कोई स्ट्रगल नहीं, अब सिर्फ फास्ट इम्प्रूवमेंट है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट का सिस्टम होता कैसे है और सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होता है, कैसे ऑर्बिटर में जाकर स्थापित होता है, ये मैं आउटलाइन बता दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिस्टमेटिक उसके कैलकुलेशन पर लेके जाऊंगा। तो किस तरह से होते हैं, देखो कभी और हमारे पास समय रहा तो अपन फुर्सत से और डिस्कस करेंगे उस पर। सपोज ये हमारी पृथ्वी है और हम एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं यहाँ से, तो होता क्या है, देखो सैटेलाइट को जनरली ऐसे जगह से लॉन्च किया जाता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल कम से कम हो। जैसे हमारे देश में श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, और सैटेलाइट लॉन्च बाद में उसके टाइप्स को पढ़ाऊंगा तो मैं बीच में और पूरा डिटेल बताऊंगा। रॉकेट के हेल्प से जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, रॉकेट इसको लेके ऊपर जाता है सैटेलाइट को, ये सपोज हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट को रॉकेट लेके जाता है, इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ये सब आपको मालूम है। आज तो देखो हम लोग तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग को न्यूज से या फिर अपने टीचर्स वगैरह के हेल्प से सब के बारे में जानकारी मिलती थी। आज तो आप इतने अच्छे टाइम पर इस दुनिया में हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आजकल इसरो कोई भी जब नया लॉन्च होता है तो लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल में उसको दिखाता है, तो आप घर में बैठे बैठे आराम से, मैंने खुद बहुत सारा लॉन्चिंग, कई बार मेरा ऑफलाइन क्लास चलते रहता है और कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट होता है तो हम अपने कोचिंग को में पूरा सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा के लॉन्चिंग देखते हैं उसका, और हम स्टूडेंट को साथ में समझाते भी हैं, देखो ऐसा ऐसा होता है। तो आपके पास अब बहुत बड़ी सुविधा है, आप उसको लाइव भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च करके जब इसको कक्षा में स्थापित किया जाता है, मतलब ये इसका ऑर्बिटल है, इसमें स्थापित किया जाता है, और रॉकेट क्या होता है, टूट के गिर जाता है। रॉकेट के जितने स्टेज होते हैं वो वन बाय वन ब्रेक होकर गिरते जाते हैं, क्योंकि उसके मास को कम करने से उसका त्वरण बढ़ते जाता है, उसका त्वरण बढ़ते जाता है, तेज़ी से ऊपर लेके जाता है, और बाद में उसका जो अंतिम कक्षा होता है उसको स्थापित करके आ जाता है। अब यहाँ पर एक सामान्य सा क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर यह सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे क्यों नहीं गिर जाता। तो कई लोग समझते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर होता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में होता क्या है कि यहाँ पर जब सैटेलाइट को घुमा के छोड़ा जाता है तो इसका वेग इतना निर्धारित किया जाता है जिसको हम वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं इसका कक्षीय चाल, इसको बोला जाता है इसका कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसका वेग इतना होना चाहिए कि। हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आस्क ए डाउट, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का,
वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल का मान होता है F=G(m)r², जहाँ पर r क्या है, इसके केंद्र से लेकर सैटेलाइट के बीच की दूरी है, ये स्मॉल r है। तो ये होता है पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाया गया आकर्षण बल। और ये जो आकर्षण बल है वह फिर इसके अंदर की ओर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल, जो mv²r के बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, इसके बाद इसका कैलकुलेशन मैं आपको कराऊंगा। कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सैटेलाइट का जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, यह है अभिकेंद्र बल। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फटाफट कैलकुलेशन करूंगा, तेजी से आप समझते जाना। ये अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो क्या करता है, अंदर की ओर लगता है और ये उत्पन्न होता है इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और यहाँ पर वेलोसिटी को हम वी नॉट कहते हैं, इसी की सहायता से हम कक्षीय चाल निकालते हैं। तो कक्षीय चाल सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है। कक्षीय चाल का मतलब क्या हुआ? कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वह न्यूनतम चाल है, वह न्यूनतम स्पीड है जिससे कम स्पीड पर सैटेलाइट अपने ऑर्बिटल पर नहीं घूम सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आता है कि सैटेलाइट गिरता क्यों नहीं है, वो तो किसी के साथ अटैच नहीं, अटैच करके कौन रखा है उसको, अटैच करके रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, ये मान लो कोई रस्सी है, पत्थर बांध दिया और इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसा आपने करके देखा होगा, एक पत्थर रस्सी में बांध दो, आप तो वृत्ति गति के चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, और ऐसे आप उसको गोल 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 घुमा रहे हो तो वो तेज़ी से वृत्ति गति करता है। लेकिन आप यदि उसकी स्पीड को कम कर दो, या यदि आप उसकी स्पीड को कम कर दो तो वृत्ति गति नहीं करता, वो गिर जाता है। तो यहाँ से क्या बात पता चलता है, या मैंने बकेट वाला आपको जो समझाया था कि बाल्टी को अपन ऊपर घुमाते हैं, पानी ऊपर जाने के बाद भी नीचे नहीं गिरता, बाल्टी का मुंह जब ऊपर उल्टा हो जाता है उसके बाद भी वहाँ का पानी क्या होता है, नीचे नहीं गिरता। क्यों नीचे नहीं गिरता? क्योंकि उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिला हुआ है, जो उसके तनाव बल से मिला हुआ है, जिसके कारण उसको बैलेंस करके रखा है। और बाल्टी के यदि हम वेग को कम कर दें तो ऊपर जाएगा और उसका पानी हमारे सिर में गिर जाएगा, ये आपको मालूम है। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि यदि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर दें, कम कर दें, जितना ज़रूरत है, जितना सैटेलाइट को कक्षीय चाल का ज़रूरत है उससे यदि हम उसको कम कर दें, नियर अबाउट ये, अभी मैं सब कैलकुलेशन में बताऊँगा, नियर अबाउट ये 8 किलोमीटर/सेकंड के आसपास इसको कक्षीय चाल चाहिए। यदि इससे कम कक्षीय चाल उसका रहा तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा और पृथ्वी पर गिर जाएगा। ठीक है, आज मैं उसके कैलकुलेशन को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे एक जनरल नॉलेज भी शेयर कर लूँ करके मैंने प्लानिंग किया। और दूसरी बात, जब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा दो टॉपिक एक साथ पढ़ाऊँगा आपको, कक्षीय चाल और पलायन वेग, तो वो एक बड़ा लंबा वीडियो होगा वो, क्योंकि दो टॉपिक दो अलग अलग वीडियो में बनाने से ठीक नहीं है, हम दोनों का तुलना करेंगे, कक्षीय चाल का पलायन वेग के साथ में तुलना करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, थोड़ा जनरल इसका साथ में कर दूँ, पलायन वेग का मतलब होता है किसी पिंड को यदि हम ऊपर फेंकें और ऊपर फेंकने के बाद इतने वेग से ऊपर फेंक दें कि वो दोबारा पृथ्वी पर वापस ना आए, मतलब वह गुरुत्व क्षेत्र को पार करके बाहर चला जाए, तो उसको हम पलायन वेग कहते हैं, इसके वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो दोनों का हम एक साथ कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा इसका इंट्रोडक्शन, सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि किस तरह से, और उस पर बहुत बहुत सी बातें हैं, सैटेलाइट पर बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस क्लास में उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सिस्टमेटिक अपने सिलेबस पर जाना है, फिर कभी स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आपको बताएंगे। ओके, तो आज के क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ मैं आपको बताया, ये सब चीज़ें क्या है, आप
एक बार ध्यान में रख के रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो का आप मेरा इंतज़ार करिए। तो मैं सीधा ही स्टार्ट करूँगा कहाँ से, कक्षी चाल से और पलायन वेग से। कक्षी चाल के बाद अपन पढ़ेंगे क्या, पलायन वेग। और ये कुछ डेट्स याद रखना, 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो का गठन किया और 19 अप्रैल 1975 को सर सबसे पहले आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट रूस की सहायता से भारत में छोड़ा। ठीक है, तो आप भी अपने अगले क्लास में जब आओगे तो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके आओगे कि सर का सैटेलाइट का क्लास है भाई, हमको कुछ अपने से खुद पढ़ के जाना है। फिर सैटेलाइट के टाइप्स पढ़ेंगे, जीओएसएस यानी भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, मैं छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर का डायरेक्ट हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। 12th क्लास में इसकी सहायता से आप संचार इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ेंगे। ओके, तो इतना आज के क्लास में, आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर सिस्टमेटिक डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।